अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कंवल आफ्ताब की बारात की कंप्लीट वीडियो। मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे आप सबको पता ही है कि कंवल आफ्ताब की जो है वो शादी हो चुकी है, इनका निकाह पहले हो चुका था और अब इनकी जो है वो रुखसती भी हो गई है। सो इन्होंने जो है अपने निकाह पर जिस तरह का लुक किया था बिल्कुल डिफरेंट था, वो मैं आपसे पहले शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इनकी बारात में वो कैसी लग रही है, रुखसती कैसे हुई है। तो निकाह में इन्होंने जो है वो इस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी और सिंपल सिंपल सा लुक किया था, सर पे दुपट्टा और इस तरीके से। लेकिन इनकी बारात के मौके पे इन्होंने कोई सर पे दुपट्टा नहीं लिया, इन्होंने बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो है वो अपना वेडिंग फंक्शन को इंजॉय किया और उसी तरीके से जो है वो तैयार हुई है और उसी तरह से इनकी जो है वो शादी हुई है। सो हुआ ये कि कंवल आफ्ताब की वेडिंग के अगले ही दिन इनकी बहन के जो हस्बैंड है उनका जो है वो इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से कंवल आफ्ताब बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। इन्होंने कहा कि खुशी का लम्हा जो है वो एक पल में उदासी में बदल गया। और उसके बाद एक वीक के बाद जो है वो कंवल आफ्ताब और जुनका नैन को जो है वो जाना पड़ गया तुर्की किसी काम के सिलसिले में। मैं आपको बताते चलूँ कि ये इनका लुक है जो कि इन्होंने अपनी बारात पे किया हुआ है। और कंवल आफ्ताब जो है वो बहुत हसीन लग रही है, इन्होंने बाल अपने बिल्कुल डिफरेंट बनाए हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट ज्वेलरी और बिल्कुल डिफरेंट जो है वो ये लग रही हैं। और अभी अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो तुर्की गई हुई है। इन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि इनके घर में ऐसा माहौल हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको जाना था कि वहाँ पर इनका काम भी था। तो कंवल आफ्ताब ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया अपनी वेडिंग पे और इस तरीके से बाल बनवाए हुए हैं, बिल्कुल मॉडर्न दुल्हन बन के जो है वो उन्होंने एंट्रेंस की है। और इनकी रुखसती की वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और कंवल आफ्ताब ने मेहंदी भी बहुत अच्छी लगवाई हुई है, बिल्कुल भरे भरे से हाथ और बहुत ट्रेडिशनल और बहुत तैयारी वाली। जुनका नैन ने देख सकते हैं आप किस तरह से कंवल की मैचिंग की कोटी पहनी हुई है। ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद है। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।